हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सारे ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करूँगा, ट्रेकिया, एल्विओलाई, लंग्स वगैरह, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊँगा। दोनों लैंग्वेज में नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाइएगा, वहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी डली हुई है, आप मुझे वहाँ पर डीएम कर दो, मैं वहाँ पर आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट में जाना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ पर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ईजिली वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। एनाटोमी, फिजियोलॉजी के कोई सा भी टॉपिक हो प्रोवाइड करूँगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा समझाऊँगा, एक एक चीज़ें क्लियर करूँगा। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। देखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे रेस्पिरेशन, पहले हम समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में हम श्वसन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? श्वसन होता क्या है, पहले इंग्लिश में देन हिंदी में। रेस्पिरेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ बॉडी ब्लड्स बॉडी सेल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिलीज द एनर्जी, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या मतलब होता है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें भोजन के अणु का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्रदान होती है, ऐसी प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है, ऐसी प्रोसेस। अब आप बोल रहे हो कि मैंने बोला रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन्स पढ़ाऊंगा आगे, पर ऑर्गन्स को समझने से पहले हमें क्या समझना है कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया। तो देखो, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है, फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर कोशिकाओं के अंदर जाती है, और फिर कोशिकाओं के अंदर जाकर वो क्या करती है, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन कर रहे, अब हमने कोई भी खाना खाया स्टमक में गया, डाइजेस्ट हुआ। सपोज दैट मैंने आज प्रोटीन खाया, स्टमक में गया, डाइजेस्ट हो गया, वो प्रोटीन कहाँ चला गया? वो मेरे ब्लड में चला गया। उस प्रोटीन को मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तभी तो मुझे एनर्जी मिलेगी। मैंने खाली ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैंने खाली रोटी खा ली मुझे एनर्जी मिल गई, नहीं भैया। जब आप खाना खाओगे तो वो खाना एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाने के बाद उसे अब जब रेस्पिरेशन करोगे ना, तब वो खाना टूटेगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा ब्लड के अंदर, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी खाया वो टूटेगा। टूटने के बाद आपको एनर्जी मिलेगी, और आपकी बॉडी के लिए, आपको एनर्जी के लिए केवल एटीपी की आवश्यकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के दौरान में बनता है, मतलब एनर्जी का बनाने, ठीक है, एनर्जी का बनना। और एनर्जी कब बनेगी? जब हम रेस्पिरेशन करेंगे। तो यही चीज़ हमें इसमें देखनी है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन के अणु को ऑक्सीकरण किया जाता है, भोजन के अणुओं को ऑक्सीकृत किया जाता है और ऊर्जा प्रदान होती है, ऐसी प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। एक नॉर्मल डाइजेशन, नॉर्मल आप देख लो इसकी रिएक्शन। आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा है, C6H12O6, ये सिंपली मेरे ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसको मैंने प्लस करके यहाँ पे 6 ऑक्सीजन 6 7 8, मैंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे दिख रहे आपको, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब मैं इसकी प्रक्रिया करवाऊँगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडाइज कर देना, ऑक्सीजन को जोड़ देना। जब ऑक्सीजन जोड़ेंगे तब ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लोहा है, लोहे पे जंग लग जाती है तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब जैसे वो हवा के संपर्क में आता है तो वो संक्षारण होने लगता है। इसी टाइप से क्या होता है? C6H12O6 में मैं ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑक्सीडेशन में C6H12 में ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, बनता है। अब आपने मान लीजिए ग्लूकोज खाया, आपकी सेल के पास गया, सांस ली, ऑक्सीजन गया, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज ने आपकी सेल के अंदर क्रिया करी, ग्लाइकोलाइसिस पड़ी होगी आपने, क्रिया करी तो फिर क्या छोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, प्लस H2O वाटर के मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है, नमी होती है, आपको पता है। तो ये है आपका एक जनरल रेस्पिरेशन, के रेस्पिरेशन ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के अणु का ऑक्सीकरण किया जाता है, यही प्रक्रिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होती है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूँ, अब देखते हैं हम
स्टेज ऑफ रेस्पायरेशन, जो हम रेस्पायरेशन कर रहे हैं इसकी क्या स्टेप होती है। देखो घबराना मत, मैं रेस्पायरेशन सिस्टम के ऑर्गन पढ़ाऊंगा अभी, थोड़ा सा मैं एक बेसिक डिटेल देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। देखो दो तरह के श्वसन करते हैं हम, दो तरह से रेस्पायरेशन करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन मतलब श्वसन, एक्सटर्नल का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बाहरी श्वसन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस, देखना एक्सटर्नल रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन लंग्स एंड एटमोसफियर, इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस, एज इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यूटिलाइज। बोलना चाहता है कि बाहरी श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को मैं बाहरी श्वसन भी कहूँगा, क्योंकि मैं बाहर से ऑक्सीजन ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फेफड़ों और बाहरी वातावरण के बीच में होती है, इस प्रक्रिया को मैकेनिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा खर्च होती है। अब आप क्या कर रहे हो, पहले श्वसन करोगे, रेस्पायरेशन करोगे, जब आपने सांस ली और छोड़ी तो आपने क्या करा, मेहनत करी, काम करा, पसीना बहा, ठीक है। रेस्पायरेशन करोगे, आपने ताकत लगाई तो इसमें आपकी ऊर्जा खर्च हुई, समझ रहे हो बात को। आपको सांस लेने के लिए भी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप सांस भी नहीं ले सकते। तो एनर्जी खर्च होगी सांस लेने, और ये प्रोसेस क्या हो रही है, हमारे लंग्स के बीच में और बाहरी वातावरण में। क्योंकि देखो ना, मैं जब सांस लेता हूँ, सांस छोड़ता हूँ, तो बाहर से सांस लेता हूँ और मेरे फेफड़ों तक जाती है। ऐसे श्वसन को बाहरी श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इस एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में मैं बाहर से सांस लेके फेफड़ों तक लेकर जाता हूँ। मैकेनिकल प्रोसेस भी हम इसे बोलेंगे, मैकेनिकल प्रोसेस हो रही है, क्लियर है, हमारे द्वारा ली जा रही है। इसमें हम एनर्जी का नष्ट कर रहे हैं, याद रखना। मैं भी ये पॉइंट बार बार इस चीज़ को हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ कि जब मैं बाहरी श्वसन करता हूँ तब मैं एनर्जी को व्यर्थ करता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला इंटरनल रेस्पायरेशन, अंतःश्वसन, जो श्वसन एक तो ये मैंने लिया और एक श्वसन मेरी कोशिका के अंदर भी हो रहा है। वहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीडेशन हुआ, वो अंतःश्वसन मतलब अंदर वाला श्वसन, ठीक है। इंटरनल रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ऑफ सेल, बोलना चाहते हैं कोशिका के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। देखो भाई, ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होगा, तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे हो रही है आपकी केमिकल प्रोसेस, केमिकल एंजाइम, हॉर्मोन्स आ रहे हैं, लड़ रहा है, फिर ये सब चीज़ें हो रही है वहाँ पे, ठीक है। अंतःश्वसन की प्रक्रिया में हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इस प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया भी कहते हैं, एवं इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन होता है, एटीपी बनती है। ऊपर क्या बोला था, मैंने एनर्जी व्यर्थ करी, जब मैंने सांस ली और सांस छोड़ी तो मुझे मेहनत करनी पड़ी, मेरी एनर्जी नष्ट हुई, पर जब वो ऑक्सीजन मेरे शरीर में गई और ग्लूकोज से उसने जाके रिएक्शन करी तो फिर आपने ग्लाइकोलाइसिस पड़ी, तो लास्ट में जाके एटीपी बनते, वो एटीपी एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, मुझे ऊर्जा प्रदान करते। तो अंतःश्वसन में, इंटरनल रेस्पायरेशन में मुझे एनर्जी मिलती है। तो यार ये था रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन सिस्टम के टाइप। अब देखो रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में समझते हैं, होता क्या है, पार्ट ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन के अंग कौन कौन से अंग होते हैं श्वसन के, ये समझो। एक होता है अपर रेस्पायरेटरी, अपर का मतलब, अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे। पहले मैं बताऊंगा अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के क्या क्या पार्ट होते हैं। नोज एंड नेजल कैविटी, नासिका एवं नासिका गुहा हिंदी में बोलते हैं, जबकि नाक है, नाक और नाक के अंदर के जो छेद है, छिद्र है, ठीक है, इनको बोलते हैं, इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें बोलते हैं नासिका, ठीक है। उसके बाद आता है फेरिंग्स और लेरिंग्स। फेरिंग्स को ग्रसनी भी कहते हैं, लेरिंग्स को स्वरयंत्र भी कहते हैं। लेरिंग्स जो होता है ना, आपके यहाँ पे होता है गले में, वॉइस बॉक्स होता है, वो जब आप बोलते हो, मैं भी आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ निकल पा रही है, उसको समझ पा रही हूँ, ये लेरिंग्स की वजह से ही होता है, क्लियर है। तो ये पार्ट होते हैं अपर, अपर मतलब होता है ऊपर वाले रेस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट, क्लियर है। डायग्राम में भी देख लो आप, अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के नेजल कैविटी, ये रही आपके नाक वाली नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ये वाला नीचे वाला पार्ट, फेरिंग्स ये है, लेरिंग्स नीचे आता है तो उसके, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, इनको मैं एक एक करके आगे डिस्क्राइब करूंगा। पहले मैंने अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट बताए, अब मैं आपको लोअर के पार्ट बताता हूँ, लोअर में क्या क्या है। अब देखते हैं लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट क्या क्या होते हैं। लोअर रेस्पायरेटरी में आता है आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आता है आपका
टू ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस के बाद आता है ब्रोंकियोल्स, ठीक है, दोनों में अंतर है, एल्वियोलाई और लंग्स, ठीक है, देखो डायग्राम में, ट्रेकिया, ट्रेकिया जो आपको जो ये जो था ना विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहते हैं, ट्रेकिया से आपकी जो हवा है ऑक्सीजन है आपके लंग्स तक जाती है, ठीक है, पल्मोनरी ब्रोंकाई, ये जो आपके लंग्स के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड आपको दिखाई दे रही है ना, ये ब्रोंकाई, जब आपकी ट्रेकिया ऐसे आती है, ट्रेकिया ऐसे विभाजित हो जाती है ब्रोंकाई में, ठीक है, यहाँ पे ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई, फिर आया आपका लंग्स, और लंग्स के अंदर यहाँ वाले एरिए में, एक मिनट, यहाँ वाले एरिए में आपको क्या दिखाई देती है, एल्वियोलाई, छोटे छोटे बल्ब के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एल्वियोलाई आप उसे कहते हो, यहाँ पे ऐसे लगे रहते हैं बल्ब, ठीक है, वही मेन श्वसन करवाते हैं। तो क्या क्या है लोअर रेस्पिरेटरी में, लोअर रेस्पिरेटरी में ट्रैक्ट आपका ट्रेकिया, टू ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और लंग्स, अब सारे पार्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है हमारी नाक से, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है नोज, जिसे हम नेजल कैविटी, नोज के अंदर दोनों चीज़ें, नाक और नासिका गुहा, नासिका गुहा एंड नासिका, ठीक है, नोज इज अ पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज इज अ पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डायरेक्टली कनेक्ट विथ आउटर इन्वायरमेंट, डायरेक्टली कनेक्ट विथ आउटर इन्वायरमेंट, हिंदी में देखो, नासिका हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र का एक भाग होती है, एवं भाग होती है या सीधे बाहरी वातावरण के कॉन्टैक्ट में रहती है, मेरी नाक है सीधे बाहरी इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होती है वो, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको, जो जो नोज़ होती है डायरेक्टली आउटर एनवायरनमेंट में कनेक्टेड होती है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होती है और सबसे बाहरी अंग होता है, ठीक है, इसके बाद आता है फ्रंट ऑफ नोज फाउंड टू नोस्ट्रिल विच इज इंटरनली कनेक्ट विद नेजल कैविटी, बोलना चाहता है नासिका गुहा के बाहर दो छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्र का इन नासिका छिद्र कहते हैं, यह अंदर की ओर से नासिका गुहा से कनेक्टेड रहती है, डायग्राम देखो, देखो आपकी जो छेद है नाक के, ये दो होल रहते हैं, ये छिद्र होते हैं, ये क्या है, इन्हें नोस्ट्रिल कहते हैं, क्या होते हैं नोस्ट्रिल, इनके द्वारा ही हम सांस ले पाते, जब ये नोस्ट्रिल के थ्रू क्या होता है हमारी सांस अंदर जाती, तो ये नोस्ट्रिल अंदर इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं नेजल कैविटीज, देखो डायग्राम में, ये हमारे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये नोज़ है, ये नोज़ के दो इंटरनल पोर है, छेद है, यहाँ से जब ऑक्सीजन अंदर होती है ना, तब यहाँ पे ये नेजल कैविटी आती है पूरी, इस नेजल कैविटी के से कनेक्टेड होते हैं वो अंदर, क्लियर है जी, समझ में आई कि नोज़ हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक भाग होते हैं, और नोज़ के अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं जिसे नोस्ट्रिल कहा जाता है, ये जो छेद है दोनों इसे नोस्ट्रिल कहेंगे, अंदर से खाली जगह होती है उसे नेजल कैविटी कहते हैं, आगे बढ़ूँ मैं इसी में, अब देखो इनसाइड ऑफ नोज फाउंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज़ कॉल्ड गॉबलेट सेल, गोबलेट सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोबलेट सेल क्या होती है, देखो गोबलेट सेल वैसे इंटेस्टाइन में भी पाई जाती है, बाकी गोबलेट सेल नोस के अंदर होती है, दिस सेल प्रोड्यूस म्यूकस, अब आपको पता है नासिका के अंदर गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है, यह कोशिका म्यूकस बनाती है, म्यूकस चिपचिपा, जो नाक जिसे आप कहते हो म्यूकस, एक बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, डाइजेशन में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी चिपका लेता है, जब हम सांस लूंगा बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस अंदर गए, तो ये हमारी नोज के अंदर जो नोस्ट्रिल है उसके अंदर कौन सी कोशिका है, गोबलेट सेल है, ये कंपटीशन में पूछा गया है कि कौन सी सेल्स के द्वारा म्यूसिन या म्यूकस रिलीज होता है, उसका नाम होता है गोबलेट कोशिका या गोबलेट सेल, अब जब मैं रेस्पिरेशन करूँगा बैक्टीरिया वायरस मेरे अंदर जाएंगे तो यहीं पर चिपका लेगा, एंटी ऑक्सीडेंट क्वालिटी वहीं मार देगा उसको, वहीं चिपका लेगा ताकि वो बैक्टीरिया वायरस मेरे लंग्स के अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि नासिका के अंदर गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है या म्यूकस बनाती है, मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस इज दैट इट किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज एंटर बाय एयर, वो अभी जो आपको मैंने समझाया कि म्यूकस का मुख्य कार्य सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने का होता है जो कि हवा के द्वारा हमारी नासिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा पकड़ लेगा चिपका लेगा मार देगा, ठीक है, 99% फिल्टर कर देता है बट फिर भी यार कुछ इंटर हो ही जाते हैं हमारे अंदर, ठीक है, बट ये आपको मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डायग्राम देखो, ये डायग्राम है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो आप, ये रहे
आपकी म्यूकस रिलीज हो रही है, यहाँ पे म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है जो रिलीज होता है, जो कि हमारे शरीर को बैक्टीरिया वायरस के, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सुरक्षा करके रखता है। ठीक है, याद रखना गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती है, ये गोबलेट कोशिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आगे बढ़ता हूँ इस चीज़ को लेके। फेरिंग्स, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, अब ये फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट इज़ अ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैंने नोज में एक चीज़ नहीं बताई, नाक के अंदर हेयर भी पाए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये हेयर क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर एंटर होते हैं, ये नाक उसे एंटर नहीं होने देती, वहीं पर पकड़ लेती। पर क्या होता है आजकल, क्या लोग करते हैं, ट्रिमर आ गई, नोज की जो हेयर है आपने कट कर ली है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नोज के अंदर जो हेयर है वैसे भी वो दिखाई देते नहीं है, हाँ अगर बाहर निकलने लगे तो कट कर लो, बाकी जो अंदर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसकी वजह से हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल, अस्थमा वगैरह नहीं होता, लोगों को अस्थमा हो जाता है, या डस्ट पार्टिकल अंदर एंटर होने ही नहीं देता, ये जो हेयर है ये बाहर ही पकड़ के रखते हैं। क्लियर है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात आते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स जिसे हम ग्रसनी भी कहते हैं, क्या होती है? फेरिंग्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अपर रेस्प, देखो ऊपर है ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है। इट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज एंड सेंड टू द लेरिंग्स, बोलना चाहता है कि यह ऊपर वाले श्वसन तंत्र का एक भाग होती है। ठीक है, यहाँ नासिका से हवा को लेकर स्वर यंत्र तक लेकर रहती है, नोज से आपने सांस ली, नाक से लेकर यहाँ से ये कनेक्टेड है ना, ये इसे मैंने बोलूँगा फेरिंग्स जिसे ग्रसनी कह रहे, ये यहाँ से लेकर ऑक्सीजन लेगी नाक से लेकर फिर लंग के नीचे वाले पार्ट तक ये छोड़ती है। ठीक है, डायग्राम देख लो, ये रहा आपका, ठीक है, ये सारा आपका लेरिंग्स होता है। ठीक है, सॉरी फेरिंग्स होता है आपका, ये जो आपकी नोज कैविटी, नेजल कैविटी से ऊपर देखो, ऊपर अपर साइड से कनेक्टेड है नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी से ऑक्सीजन आएगी, यहाँ पे ये वाला पार्ट इसको ले लेगा। आगे बढ़ता हूँ, इट्स नॉर्मल लेंथ इज 12 to 14 centimeters, 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। याद रखना 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है आपके फेरिंग्स की। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ, पार्ट ऑफ द फेरिंग, फेरिंग्स के भी देखो अलग अलग पार्ट होते हैं, नोजोफेरिंग्स, ओरिंगोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। देखो ये ऊपर वाला जो नोज के जस्ट बगल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, नोज के जस्ट बगल वाले हिस्से को बोलूंगा मैं नेजोफेरिंग, नेजो का मतलब क्या, नेजल से कनेक्टेड वाला फेरिंग्स को नेजोफेरिंग्स कहा जाता है। क्लियर है, दूसरा वाला फेरिंग्स आपका ओरिंगोफेरिंग्स, ओरल कैविटी से कनेक्टेड वाले फेरिंग्स को ओरिंगोफेरिंग्स, ओरल मतलब ओरिंगोफेरिंग्स। एक आता है आपका हाइपोफेरिंग्स, जिसे हम लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये लेरिंग्स जो फेरिंग्स से ऊपर है, ये फेरिंग्स नीचे वाला भाग लेरिंग्स से कनेक्टेड होता है, लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो तीन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरिंगोफेरिंग्स, नेजो मतलब नाक से कनेक्टेड, नेजल से, ओरिंगोफेरिंग जो माउथ से, ओरल कैविटी से कनेक्टेड है, उसके बाद लेरिंगोफेरिंग्स जो कि लेरिंग्स से कनेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता हूँ मैं लेरिंग्स, जिसे स्वर यंत्र या ध्वनि यंत्र या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। होता क्या है, लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स बिकॉज इट प्रोड्यूस अ साउंड, क्योंकि ये साउंड को प्रोड्यूस करवाता है। लेरिंग्स को स्वर यंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह आवाज़ को बनाता है या आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट कीप आउट फूड फ्रॉम एयरवे, इसका मेन काम क्या है, यह भोजन को हवा, भोजन के पाइप को अलग रखने का कार्य करता है। देखो डायग्राम में जरा देखो इसको, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है पीले कलर का, ये वाला है आपका लेरिंग्स। अब जो लेरिंग्स है ना, लेरिंग्स के ऊपर ऐसा एपिग्लोटस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एपिग्लोटस। जब आप यहाँ से माउथ से खाना खाओगे ना, तो ये वाला माउथ का वाला पार्ट क्या करेगा, ये इसको बंद कर देगा, किसको बंद कर देगा, ये आपकी जो हवा वाला जो यंत्र होता है ना, जहाँ से आपका हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, विंड पाइप जिसे आप ट्रेकिया कहते हो, इसको बंद कर देता है। कभी कभी क्या होता है, आप बात करते करते सांस लेते लेते खाना खाओगे ना, आप एक काम कभी नहीं कर सकते, करके देखना, जब खाओगे तब सांस नहीं ले सकते और जब सांस लोगे तब खा नहीं सकते, तो बात करते, खाना खाते टाइम हम बात करते कभी कभी ठसक वगैरह लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप के अंदर चला जाता है, इस वजह से ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जो एपिग्लोटस है ना, ये एपिग्लोटस आपके पाइप को बंद कर देता है, जो कि लेरिंग्स के ऊपर है। ये जैसे आप खाना खाओगे, यहाँ से खाना खाए, इससे टच होगा और ये बंद हो गया, विंड पाइप बंद हो गया, और विंड पाइप के बगल में फूड पाइप ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस के द्वारा भोजन स्टमक में चला जाता है। जब आप सांस लोगे ना,
तब ये वाला पार्ट बंद हो जाता है, ठीक है। तो यही बोलना चाहता है, यह भोजन को हवा के पाइप से अलग रखता है, कीप सेपरेट रखता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अपर साइड ऑफ लेरिंग्स प्रेजेंट एपिग्लोटस व्हेन फूड इंटर इट ब्लड इट स्टॉप द एयरवे पाइप, फूड पाइप को स्टॉप कर देता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है स्पेलिंग में, इंटर द ब्लड फूड पाइप, यहाँ पे थोड़ी सी ये ब्लड वगैरह थोड़ी सी स्पेलिंग में, यहाँ पे देखो स्पेलिंग में कभी कभी इसलिए मिस्टेक होती है। मैं आपको बताऊँ यार, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्किंग रहता है, पर मैं उस वर्किंग को करते समय आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं टाइप करना पड़ता है, और आपको पता है यार पहले हिंदी में टाइप करो फिर इंग्लिश में टाइप करो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो जब मैं टाइप करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, बोलता जाता हूँ वो ऑटोमेटिकली टाइप होता जाता है, तो वहाँ पे कभी कभी बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे जो टाइप होता है थोड़ा गलत हो जाता है, स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो जाती है। वो इसलिए होता है, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, या फिर आप यूँ भी नहीं बोल सकते मुझे नहीं आता है, भाई मुझे सब आता है, पर इशू ये होता है कि मेरे पास समय का इशू है, मुझे समय नहीं मिलता। पर फिर भी आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, मुझे टाइप करना पड़ता है, बहुत समय लगता है यार टाइप करने के लिए, मैं नाइट में 2-2 बजे तक आप लोगों के लिए टाइप करता हूँ। इस वजह से कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो आपको कोई इशू नहीं, जब मैं आप पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा आपको, तब वहाँ पे मैं आपको करेक्ट करके दे दूँगा, कोई इशू नहीं, आप समझ लीजिए। हिंदी में एक बार देख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। लेरिंग्स के ऊपर एपिग्लोटस पाया जाता है, जब भोजन अंदर आता है तब यह हवा के पाइप को बंद कर देता है, और जब हवा आती है तब यह भोजन के पाइप को बंद कर देता है, ठीक है। मतलब जब हम सांस लेंगे तब वो बंद, और जब हम सांस नहीं लेंगे खाना खाएंगे तब वेंट पाइप बंद, क्लियर है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा लेरिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे ध्वनि यंत्र साउंड प्रोड्यूस करता है वो आपका होता है लेरिंग्स, क्लियर है। आगे बढ़ू मैं, अब आता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट, क्या क्या होता है लोअर रेस्पिरेटरी में, आपका आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को श्वसन नली भी कहते हैं, या विंड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। देखो डायग्राम में ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका ट्रेकिया, ठीक है। ये ऊपर लेरिंग्स वाला पार्ट है, लेरिंग्स से जुड़ा हुआ जस्ट सी शेप के कार्टिले से मिलकर बना होता है। आगे बताता हूँ, अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया अटैच टू द लेरिंग्स एंड लोअर पार्ट इज अटैच टू द लंग्स। बोलना चाहता है कि ट्रेकिया का ऊपर वाला भाग तो हमारे यहाँ से लेरिंग से जुड़ा होता है, और दोनों साइड बढ़ता है लंग्स में, जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारे लंग्स से जाकर जुड़ता है, ठीक है। देख लो हिंदी में, श्वसन नली ऊपर से स्वरयंत्र यानी कि लेरिंग्स से जुड़ी होती है, एवं नीचे वाले तरफ फेफड़ों यानी कि हमारे लंग्स से वो पार्ट जुड़ा हुआ रहता है, क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, ट्रेकिया इज मेड अप मेनी सी शेप कार्टिलेज। बोलना चाहता है जो ट्रेकिया है मेरा, ये सी शेप के कार्टिलेज, जो आपको डायग्राम देखो, ये जो सी सी जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा सी सी जैसा दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है, सी जैसा, तो सी आकृति के कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। श्वसन नली कई विभिन्न प्रकार के सी आकृति के कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, इट्स नॉर्मल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। ट्रेकिया की लंबाई याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकते हैं, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया ऊपर की तरफ से हमारे लेरिंग्स से जुड़ा है, नीचे हमारे लंग्स से जुड़ा होता है, इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। आगे बढ़ता हूँ, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या होती है ये देखिए, व्हेन ट्रेकिया इंटर इनटू अ लंग्स देन इट डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रांच व्हिच इज कॉल्ड ब्रोंकाई। देखो ये रहा मेरा लंग्स, जब हमारा श्वसन नली फेफड़ों के अंदर पहुंचती है तब यह छोटी छोटी कोशिकाओं में छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और इन शाखाओं को ब्रोंकाई कहते हैं। डायग्राम देख लो, ये रहा आपकी ट्रेकिया, यहाँ से ये ट्रेकिया जो पाइप आया आपका ट्रेकिया का, दोनों लंग्स में डिवाइड हुआ। जब ये लंग्स में डिवाइड हुआ तो देखो इसमें छोटी छोटी शाखाएं विभाजित हो गई, ये जो ब्रांचेस आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये ब्रांचेस में विभाजित हो गया। तो इन ब्रांचों को मैंने क्या बोला, इन ब्रांचों को मैं बोलूँगा ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई मतलब कि छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती है, ठीक है। 3 ब्रोंकाई प्रेजेंट इन राइट लंग्स। बोलना चाहता है कि दाएं तरफ वाले फेफड़े में 3 ब्रोंकाई पाई जाती है, और बाई तरफ के फेफड़ों में मतलब लेफ्ट लंग में 2 ब्रोंकाई पाई जाती है। देखो इधर आपकी जो राइट वाले लंग्स है इसमें कितनी होती है, जो ब्रोंकाई राइट साइड वाले में 3। देखो 3 डिवीजन है यहाँ पे, आपको 3 डिवीजन अलग ही दिख रहा होगा, 1 2 3, जबकि इधर कितने डिवीजन है, केवल 2 ही डिवीजन है, एक ऊपर एक नीचे, क्लियर है। यहाँ पे 2 ही डिवीजन होते हैं लेफ्ट साइड वाले लंग्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड वाले में 3 ब्रोंकाई
ब्रोंकाई, लेफ्ट वाले में टू ब्रोंकाई। क्लियर है? ये आगे बढ़ूँ मैं आपको, ये ब्रोंकाई होती है जो कि आपकी ट्रेकिया के नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट होती है। ब्रोंकाई के आगे बढ़ता हूँ मैं, अब आते हैं आपकी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई भी, एल्वियोलाई ही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं से जो होता है, एल्वियोलाई में से ही आपका स्टार्ट होता है, जो भी स्टार्ट होता है रेस्पायरेशन आप जो करते हो ना, वहीं से आपका गैसों का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई इज अ ग्रुप, इज अ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली साइट ऑफ, एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एल्वियोलाई अंगूर के गुच्छे के समान होती है। डायग्राम देखो, ये आपका लंग्स है ना, ये ब्रोंकाई से जुड़ी होती है। यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है ना, कैसे होता है, गुच्छे जैसा होता है, जैसे अंगूर नहीं रहते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे ही इसका रहता है। ठीक है, जैसे गैसों का आदान प्रदान इसके अंदर ही होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि ये डायग्राम दिखाई दिया, ये हमारी एल्वियोलाई है, इसी के अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है। अब ये गैसों का एक्सचेंज होता कैसे, इसके लिए मैं वीडियो एक अलग सेपरेट बनाऊंगा, तब आप देखना। नेक्स्ट चीज आती है आपके लंग्स। लंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लंग्स क्या होते हैं? लंग्स इज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज फाउंड इन पेयर्स, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग। देखो, जो हमारे फेफड़े होते हैं ये पेयर में होते, जोड़े में होते, एक इधर एक इधर। ठीक है, फेफड़े हमारे, सॉरी, हमारे श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यहाँ जोड़े में पाए जाते हैं दाया फेफड़ा और बाया फेफड़ा, राइट एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, लंग्स आर फाउंड इन कोन शेप। कोन शेप कैसे, शंकु जैसे आकार के दिखाई देते हैं, और दाएं फेफड़े का वजन 625 ग्राम और बाएं फेफड़े का वजन 575 ग्राम होता है। ये कंपटीशन में पूछा गया है। जो दाया फेफड़ा यानी कि जो राइट लंग्स होता है 625 ग्राम का होता है, और बाया यानी कि उल्टा जो हाथ का जो फेफड़ा होता है 575 ग्राम का, वो कम वजन का होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो राइट वाला लंग्स इधर दिखाई दे रहा है, ये वाला ये थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है। इसमें तीन लोब पाए जाते हैं, एक दो तीन भाग होते हैं, इसके केवल दो ही भाग होते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई हो तो यार प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। इतना ही था आज की वीडियो में, बाकी का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करूंगा। आगे का वीडियो आएगा जरूर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। नोट्स आपको चाहिए, सबसे नीचे जाना, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहां से आप लोग मुझे डीएम कर दो, मैसेज सेंड कर दो, मैं आपको वहां पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलमोस्ट रेडी हो चुके नोट्स, कुछ बन रहे हैं। यार इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो